नमस्कार साथियों, आर के पैरामेडिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी। जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है या फिर ऑक्सीजन डिलीवर डिवाइसेज, जो ऑक्सीजन डिलीवर करवाने वाले जो डिवाइसेज होते हैं या जो मास्क होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मेट और टू नीड ऑफ द बॉडी। यदि बॉडी में ऑक्सीजन की जो नीड होती है उसको पूरी करने के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है उसी को हम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। जो इसके इंडिकेशन हो सकते हैं, जो क्या क्या हो सकते हैं इंडिकेशन, सबसे पहले है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया क्या होता है? यदि पेशेंट को ऑक्सीजन या फिर सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसको डिस्पेनिया बोलते हैं। उस टाइम में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। सेकेंड है रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम। यदि रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर लंग्स में कोई भी डिजीज होने के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। और थर्ड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें जो ब्लॉकेज बनने के कारण जो ब्लड फ्लो है या फिर ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और अपना है ये लास्ट है मेजर बर्न। मेजर बर्न होता है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा जल गया हो तो उस टाइम भी पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होती है। और ऐसे शॉक में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। और लास्ट अपना एनीमिया। यदि पेशेंट में ब्लड की कमी हो सकती है या हो जाती है तो उस टाइम भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद में जो देखते हैं तो मेथड देखते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने वाली जो मेथड है वो है, फर्स्ट है अपना नेजल कैनूला। नेजल कैनूला को नेजल प्रोंक्स भी बोलते हैं। जो इसमें जो प्रोवाइड करवाने जो फ्लो रेट है वो लो होती है। तो यूज मोस्टली यूज़ कहाँ होता है? सीओपीडी वाले पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली। जो लंबे समय तक जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है उसमें इसका उपयोग या ये यूज़ किया जाता है। सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं जो लंग्स में जो ब्रोंकियो या ब्रोंकाइज होती है उसमें जो कोई भी डिजीज होने के कारण पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जिसको फ्लो रेट है वो 1 से 6 लीटर पर मिनट हो सकती है। जो ओटू कंसनट्रेशन है वो इसकी 24 से 44% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है। ये होती है नेजल प्रोंक्स। जो नेजल प्रोंक्स आप देख रहे हो ये नेजल प्रोंक्स होती है। जो ये दो प्रोंक्स होती है ये नेजल कैविटी में इंसर्ट की जाती है। उसके बाद में सेकेंड होता है अपना नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर होता है, इसका यूज़ मोस्टली जो कॉमन यूज़ किया जाता है इसका यो हॉस्पिटलों में यूज़ किया जाता है। जो सभी हॉस्पिटलों में यूज़ किया जाता है नेजल कैथेटर का। जो इसमें यूज़ करने का जो तरीका है वो है चेंज द पोजिशन आफ्टर एवरी 8 आवर इंटू अपोजिट नोस्ट्रेल्स। मतलब प्रत्येक एवरी 8 आवर के अंदर इसका जो पोजीशन है वो चेंज की जाती है। यदि एक नोज के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है तो आप प्रत्येक 8 आवर में सेकंड नोज के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसको अपोजिट साइड दी जाती है कैथेटर की। जो फ्लो रेट है इसके 1 से 6 लीटर पर मिनट होती है और कंसनट्रेशन है 24 से 44% सेम होती है। सेम नेजल कैनूला की तरह होती है इसमें कंसनट्रेशन भी। उसके बाद में थर्ड है अपना फेस मास्क। फेस मास्क है इसको 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। जो फर्स्ट है सिंपल फेस मास्क, सेकेंड है पार्शियल फेस मास्क, और थर्ड है नॉन रिबर्थन मास्क, और फोर्थ है वेंचुरी मास्क। तो हम बात करेंगे सिंपल फेस मास्क की। सिंपल फेस मास्क क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाते हैं, जो बहुत कम यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। जो फ्लो रेट है इसकी 5 से 8 लीटर पर मिनट होती है। ओ टू कंसनट्रेशन इसकी 40 से 60% हो सकती है। मिनिमम फ्लो रेट है वो 5 लीटर पर मिनट इसकी जो कंसन फ्लो रेट है वो होती है। ये ऑक्सीजन ये सिंपल फेस मास्क होता है, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। सिंपल फेस मास्क जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और जो सेकंड है फेस मास्क के अंदर जो सेकंड है पार्शियल रिवर्थर मास्क। जो पार्शियल रिवर्थर मास्क होता है मास्क विथ रिजर्वायर बैग के साथ में होता है ये, विच अलाउ 1/3 ऑफ एक्जेल एयर टू ब्रीथ। जो पेशेंट जो एक्जेल करता है उसमें से 1/3 ऑफ वापस ब्रीथिंग करता है पेशेंट। जो फ्लो रेट है 6 से 15 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है। ओ टू कंसनट्रेशन 70 से 80% होती है। ये होता है पार्शियल रिबर्थर मास्क। इस उसके बाद में अपना थर्ड है नॉन रिबर्थर मास्क। नॉन रिबर्थर मास्क होता है, इट इज ए प्लास्टिक मास्क होता है विथ रिजर्वायर बैग के साथ में होता है। फ्लो रेट वो होती है 10 से 15 लीटर पर मिनट होती है। ओ टू कंसनट्रेशन इसकी 95 to 100 होती है। ये होता है नॉन रिबर्थर मास्क। इसमें जो प्लास्टिक मास्क है इसके साथ में जो रिजर्वायर बैग अटैच रहता है। अब हम बात करेंगे वेंचुरी मास्क। जो फोर्थ है अपना वेंचुरी मास्क।
ये होता है मोस्ट एक्यूरेट है, फिक्स रहता है ऑटो कंसंट्रेशन डिलीवर सिस्टम के साथ में जो फिक्स रहता है ये, जो इसकी फ्लो रेट है 2 से 15 लीटर पर मिनट होती है। ऑटो कंसंट्रेशन इसकी 24 to 60% होती है। यूज़ किया जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ये यूज़ किया जाता है। ये होता है वेंचुरी मास्क में, जो ऑटो कंसंट्रेशन होता है वो डिवाइसेज डिलीवर सिस्टम होता है उसके साथ में ये फिक्स रहता है। यह ना से उसे रिमूव किया जा सकता है ना ही इसको दूसरे के साथ में जोड़ा जा सकता है। इसकी जो नोब्स होती है अलग अलग होती है, जो पेशेंट को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ में प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग से अलग अलग की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। उसके बाद में अपना फोर्थ है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट है जो पीडियाट्रिक यूज़ करते हैं। इसका जो फ्लो रेट है 10 से 15 लीटर पर मिनट होती है और ऑटो कंसंट्रेशन इसकी 80 to 90% होती है। इसको पीडियाट्रिक यूज़ किया जाता है, इसमें डिलीवरी रूम में ये प्रेजेंट रहता है। बाद में अपना अगला है फिफ्थ, अपना फेस टेंट। जो फेस टेंट है इसका यूज़ किया जाता है फेशियल ट्रोमा के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको रेट है इसकी 4 से 8 लीटर पर मिनट होती है। ऑटो कंसंट्रेशन 30 से 50% इसकी ऑटो कंसंट्रेशन होती है, होता है फेस टेंट होता है। उसके बाद में सिक्स नंबर पे आता है ऑक्सीजन हुड। ये होता है ऑक्सीजन हुड जो प्लास्टिक डोम दैट इंक्लूड इन्फेंट हेड। इन्फेंट के अंदर जो इन्फेंट का जो हेड है उसके ऊपर इसको अटैच किया जाता है और इन्फेंट के अंदर ये काम आता है। जो लेबर रूम में ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। फ्लो रेट इसकी 10 से 15 लीटर पर मिनट होती है। हम सेवन्थ पढ़ेंगे ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। जो ट्रांसट्रेकियल कैथेटर होता है ये कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया के अंदर, जो सर्जिकल के द्वारा ये ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है। जो इंट्रेकेस्टोमी में ओ टू कैन बी गिवन बाई टी कोलार। ट्रेकेस्टोमी में जो ऑक्सीजन है वो टी कोलार या इसी के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। जो फ्लो रेट है इसकी 1/4 से 4 लीटर पर मिनट होती है। ऑटो कंसंट्रेशन 22 से 45% इसकी ऑटो कंसंट्रेशन होती है, वो होता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसके साथ में अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी के हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन होता क्या है, इन ज़्यादातर जो इफेक्ट है ये ऑक्सीजन ये कॉम्प्लिकेशन का ये बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों में जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है तो बच्चों की जो आईज होती है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस होने के कारण या फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ऑक्सीजन ज़्यादा देने से जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है।